हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सनराइज़ ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा वीडियो है जिसका टॉपिक चल रहा था लीडरशिप, और उस लीडरशिप चैप्टर्स में आज हमारा सेकंड टॉपिक है क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप। उसमें सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है हमारा साउंड हेल्थ। एक लीडर की जो इट मीन्स देखा जाए कि वो एक हेल्दी होना चाहिए, वो ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए कि वो बार बार बीमार हो रहा हो या एक्टिव ना हो। साथ ही अगर हम ये कहें कि फिज़िकली भी मेंटेन होना चाहिए, इट मीन्स उसका फेस स्माइली हो, उस तभी मतलब जो भी वो काम करें स्माइल के साथ करें, फिज़िकली फिट होना चाहिए, तभी वो दूसरे लोगों को इम्प्रेस कर पाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा शार्प इंटेलिजेंस। शार्प इंटेलिजेंस के अंदर हम ये कहेंगे कि उसके पास जितना ज़्यादा नॉलेज होगा वो उतना ही काम उतना अच्छे से कर सकेगा, क्योंकि बिजनेस के अंदर काफ़ी ऐसे सारे डिसीजंस हमें लेने होते हैं जिसमें इंटेलिजेंसी की ज़रूरत होती है, नॉलेज की ज़रूरत होती है। जितनी शार्प इंटेलिजेंस होगी, जितना अच्छा नॉलेज होगा, उतना उसकी डिसीजन मेकिंग की पावर भी उतनी ही अच्छी होगी। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर। ये एक लीडरशिप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जब तक एक लीडर में खुद का कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक वो फॉलोअर्स में भी कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं कर सकता। अगर वो खुद ही कोई काम कंफ्यूज होकर कर रहा है तो फॉलोअर्स के अंदर तो कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा और वो काम उतना सेटिस्फाइड तरीके से नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है एजिलिटी एंड टॉलरेंस। एजिलिटी का मीनिंग क्या होता है? एजिलिटी का मीनिंग होता है एनर्जेटिक। ओके, एंड टॉलरेंस का मतलब पेशेंस रखना। तो जो एक लीडर होता है उसमें वो एनर्जेटिक रहना चाहिए। अगर सपोज़ हम एक बात कहें कि अगर एक लीडर है वो खुद ही मरा मरा सा रहता है, मरा मरा सा काम करता है, तो उसके फॉलोअर्स भी उतने एक्टिव रूप से काम नहीं करेंगे। अगर वो खुद एनर्जेटिक रहेगा तो उसके वर्कर्स भी एनर्जेटिक रहेंगे। साथ में ही बात कहें टॉलरेंस की, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी फील्ड में वर्क किया जाए, उन सब का एक रिज़ल्ट आने में काफ़ी समय लगता है। तो एक लीडर को पेशेंस रखना होगा कि जो भी उसने काम करा है और साथ में करवाया है, उसका रिज़ल्ट आने में एक टाइम लगेगा, तो उसको पेशेंस अच्छे से रखना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने इमीडिएट कोई काम कहा और वर्कर्स उसी समय कर ले, हो सकता है वो काम आगे या पीछे करे पर वो कंप्लीट करके बता देगा। ओके, नेक्स्ट है साउंड कैरेक्टर। साउंड कैरेक्टर को हम ये और कह सकते हैं कि बेस्ट कैरेक्टर। एक लीडर का जो कैरेक्टर है वो बेस्ट होना चाहिए, इट मीन्स उसका मोरल सही होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल इस तरीके से ले लें, जैसे कि कोई एक टीचर है, वो उसका ये श्योर होना चाहिए कि मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ, मैंने वो जो भी उसको कुछ पढ़ाया वो 100% सही है। तो ये क्या कहलाएगा? साउंड कैरेक्टर। इट मीन्स अगर आप बच्चे को कुछ गलत टीच कर देते हैं तो वहाँ आपका साउंड कैरेक्टर नहीं कहलाएगा। इन केस इसी तरह कोई और फील्ड भी है, अगर आपको आता है तो सही बताएं, नहीं तो आप ये जवाब दे सकते हैं कि मैं आपको इस चीज़ का डिसीजन कल बताऊँगा या इस मैटर के बारे में कल जवाब दूँगा। ओके, नेक्स्ट है आपका साउंड डिसीजन मेकिंग। साउंड डिसीजन मेकिंग में हम क्या कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डेली हर एक सिचुएशन के अंदर अलग अलग हमें डिसीजन लेने होते हैं। अब यहाँ पर जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो फ्यूचर के बेस पर ध्यान में रख कर लेना है, क्योंकि आज का एक डिसीजन फ्यूचर्स की आगे की सारी प्लानिंग को बिगाड़ सकता है और साथ में ही कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, एक लीडर को एक डिसीजन आगे के सारे गोल को किसी भी दिशा में वो ले जा सकता है। नेक्स्ट, टीचिंग एंड टेक्निकल एबिलिटी। लीडरशिप के अंदर एक मस्ट कंपलसरी क्वालिटीज़ होनी चाहिए टीचिंग। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एक लीडर ही होता है जो अपने फॉलोअर्स को वर्कर्स को काम सिखाता है। अगर उसको ढंग से समझाना नहीं आया, सिखाना नहीं आया, तो उसके वर्कर्स उतने अच्छे ढंग से काम नहीं कर सकेंगे और साथ में रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं आएंगे। तो उसको पेशेंस के साथ, समझदारी के साथ उनके फॉलोअर्स को उसको समझाना आना चाहिए। इट मीन्स उसमें टीचिंग एबिलिटी भरपूर होनी चाहिए। अब बात करें टेक्निकल एबिलिटी, तो लीडर जिस फील्ड में काम कर रहा है, जब तक उसको उसके खुद के डिपार्टमेंट की टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी, तब तक वो वर्कर्स को भी नहीं समझा सकता। इसलिए यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि उसमें टेक्निकल एबिलिटी हो कि जहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो वो उसको सॉर्ट आउट कर सके। नेक्स्ट है हमारी एबिलिटी टू मोटिवेट।
ये वाली जो क्वालिटी है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लीडर का बहुत ज़रूरी वर्क होता है मोटिवेट, क्योंकि अपने जितने भी वर्कर्स हैं उनको मोटिवेट उसे समय समय पर करना होगा। जहाँ तक वो मोटिवेशन का काम नेगेटिव रूप से भी किया जा सकता है और पॉजिटिव रूप से भी किया जाता है, पर लीडरशिप जहाँ तक होते हैं बेस्ट लीडर पॉजिटिव मोटिवेशन का ही यूज़ करता है ताकि काम बहुत अच्छा हो। और उसे ये पता होना चाहिए कि किस पर्सन के साथ या एम्प्लॉय के साथ कैसा मोटिवेशन करना है। अगर उसको ये चीज़ की नॉलेज आ गई है तो किसी भी तरह के एम्प्लॉय आए वो सभी को टैकल कर लेगा। नाउ नेक्स्ट है आपका फॉरसाइटनेस एंड विज़न। फॉरसाइटनेस एंड विज़न का मतलब क्या हो गया कि विज़न हम क्या कहेंगे, उसकी दूरदृष्टि कैसी है, है ना, वो किस तरीके से देखता है, क्या सोचता है। तो यहाँ पर एक लीडर को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो जो भी डिसीज़न ले रहा है फॉरसाइटनेस को ध्यान में रखें। क्यों? क्योंकि आज जो भी वो काम कर रहा है उसके इफ़ेक्ट कहाँ आएंगे, फ्यूचर में आएंगे। तो उसको इस बात को ध्यान में रखना ही है, उसको इस तरीके से माल का प्रोडक्शन करवाना है, इस तरीके से वर्कर से डील करनी है ताकि फ्यूचर्स में उस बारे में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो बल्कि बेनिफिट्स मिलें। नेक्स्ट है ह्यूमन अप्रोच। ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी ह्यूमन अप्रोच। क्यों? क्योंकि ह्यूमन अप्रोच का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम बात करें तो ह्यूमन अप्रोच से इंटर रिलेशनशिप। एक लीडर को फॉलोअर्स के साथ हमेशा जुड़े रहना होता है, वर्कर्स हो गए, फॉलोअर्स हो गए या अदर भी हो गए, तो वहाँ उसको उनके सेंटीमेंट्स के साथ नहीं खेलना, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। आपको उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने वर्कर को एक मशीन की तरह काम नहीं ले सकते हैं। आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा वर्कर को क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है, क्या वो काम बाद में, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपकी सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए हम क्या कहेंगे, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होगा कि किसी भी लीडर को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आनी चाहिए। इट मीन्स अगर एक वर्कर किसी काम को बहुत अच्छे से कर रहा है तो उसके लिए आप बहुत अच्छा मोटिवेट करें, उसको उसके लिए ही रेस्पॉन्सिबल ठहराएं कि आपने जो भी ये वर्क किया है बहुत अच्छा किया है। बट अगर उसी जगह किसी फॉलोअर से कोई गलती हो जाती है, वर्कर से गलती हो जाती है, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक लीडर को खुद को लेनी चाहिए कि नहीं, शायद मेरे ही समझाने में कोई प्रॉब्लम रही है तभी ये काम गलत हुआ है। ये एक बेस्ट लीडर की क्वालिटी है। फिर है हम कहते हैं टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट लीडर के लिए एक ज़रूरी होता है कि वो जो भी काम करे दो या तीन लोगों को काम में लेकर ना करे, उसको पूरी अपनी एक टीम को साथ में लेकर काम करना होगा ताकि पार्शियलिटी की भावना किसी भी मेंबर के में मन में ना आए। जब भी वो काम करे तो अपनी पूरी टीम के साथ कंसल्ट करे और कंसल्ट करने के बाद पूरी टीम को साथ में रख कर ही काम करे, तभी टीम स्पिरिट की भावना आएगी। लास्ट पॉइंट है हमारा सोशेबल, टैक्टफुल और सेंस ऑफ ह्यूमर। सोशेबल मतलब कि वो हेल्पफुल होना चाहिए, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, किस वर्कर को क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या है तो उसका सॉल्यूशन उसे करना है। फिर है आपका टैक्टफुल। टैक्टफुल में हम क्या कहेंगे कि उसको इस तरीके का होना चाहिए कि किस एम्प्लॉय से किस तरीके से बात करनी है, उसका इस बात को नॉलेज होना चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर यहाँ पर कि कौन सा बंदा उसके पास किस मकसद से आया है, उसके अंदर इतना सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए वो लोगों की भावनाओं को समझ सके। ओके फ्रेंड्स, नाउ दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट।